हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान राज्य में स्थित जोधपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जोधपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक जोधपुर जिला के नाम से जाना जाता है। जोधपुर ज़िला राजस्थान के मध्य से पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा राजस्थान के ही जिलों से मिलती है। इस ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस जोधपुर शहर में मौजूद है और जोधपुर ज़िला होने के साथ साथ मंडल भी है और जोधपुर जिला जोधपुर मंडल के ही अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो जोधपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जोधपुर जिला की कुल आबादी 36,87,000 है। इस 36,87,000 में पुरुषों की कुल आबादी 19,23,000 और महिला की कुल आबादी 17,63,000 है। जोधपुर जिले का औसत लिंगानुपात 916 के करीब है, यानी कि जोधपुर जिला में 1,000 पुरुष पर 916 महिला हैं। जोधपुर जिला के पड़ोसी जिले का नाम बीकानेर जिला, नागौर जिला, पाली जिला, बरमेर जिला, जालौर जिला और जैसलमेर जिला है। जोधपुर जिला में 7 तहसील, 3 डिग्री कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज, 230 अस्पताल, 2 लोकसभा, 10 विधानसभा और 1846 गांव में बटा हुआ है। जोधपुर जिला के मुख्य नदी का नाम लूनी नदी व मिथरी नदी है। लूनी नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 355 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 605 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क मार्ग की बात करें तो इस जिला के माध्यम से कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जो कि राजस्थान के बड़े बड़े जिलों में जाते हैं। वैसे जोधपुर जिला पूरे देश में मशहूर है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 65 गुजरती है, जो आगे चलकर राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और देश के कई बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। राय का बाग सेंट्रल बस स्टेशन यहाँ का सबसे बड़ा बस स्टेशन है, जो कि लोगों को अच्छी तरीके से अपनी सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो जोधपुर जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम जोधपुर जंक्शन है। इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म और 6 पटरी शामिल है। इसका स्टेशन कोड JU है। जोधपुर रेलवे जंक्शन जोधपुर जयपुर लाइन जोधपुर लूनी सेक्शन पर स्थित है और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे जोन के जोधपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। जोधपुर ज़िला भारत में चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कि मशहूर है। इस ज़िला में कई ऐसे बड़े पर्यटन स्थल है जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद ले सकते हैं। जोधपुर जिला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम इस प्रकार हैं: मेहरानगढ़ किला एंड म्यूजियम, जसवंत थाड़ा, बालसमंद झील, कल्याणी झील, घंटाघर, रायबाग महल, सरदार मार्केट, मंदूर गार्डन, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व बड़े कॉलेज भी शामिल है, जो कि यहाँ के और देश के कई कोने कोने से लोग यहाँ पर बच्चे अपने भेजते हैं पढ़ने के लिए। वैसे ज़िले की साक्षरता दर 65% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 65% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, शासकीय कॉलेज जोधपुर, SMBM PG कॉलेज, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐश्वर्या कॉलेज, BM लॉ कॉलेज, ये सभी जोधपुर ज़िला में ही मौजूद हैं। दोस्तों,
जोधपुर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।